अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपको बैंगन आलू की बहुत ईजी और नई किस्म की रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आधा किलो बैंगन, दो दरमियाने आलू, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, लहसुन का एक जुआ, अदरक का एक छोटा पीस और प्याज। और इसके लिए हमें इन मसाला जात की ज़रूरत है। इसमें एक चम्मच बाकी नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, गरम मसाला और हल्दी, ये सब आधा आधा चम्मच टेबलस्पून। बाकी आप इसको अपनी जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को धो के अब हम काट देते हैं। अदरक को मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए साबुत ही रखा है, दो पीस करके डालूंगी, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में अदरक आ जाए तो बच्चे कटा हुआ पसंद नहीं करते। चले अब मैं इसको काटती हूँ, फिर हम बनाते हैं। सब्जी हमने काट दी है, अब हम इसको पकाने के लिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं। मैंने यहाँ पे दो बर्तन रखे हैं, कढ़ाई और एक छोटी पतीली। कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी, उसमें बैंगन और आलू को फ्राई करूंगी और इसमें मैं प्याज और टमाटर का मसाला बनाऊंगी। उसमें पानी बनते नहीं, कढ़ाई में हमें ज़्यादा ऑयल डालना पड़ेगा बैंगन फ्राई करने के लिए, और इसमें हमें आधी प्याली ऑयल काफ़ी होगा। और फिर हम उसमें फ्राई करेंगे। इसमें हम प्याज डाल के, प्याज और लहसुन डाल के फ्राई शुरू करते हैं, पकाना शुरू करते हैं। अब वो ज़रा गर्म, घी गर्म हो गया। अभी इसमें हम बैंगन फ्राई करते हैं, थोड़े थोड़े डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह बैंगन और आलू दोनों को फ्राई कर लेंगे। बैंगन फ्राई हो गए, इन पर हल्का सा कलर आ गया है, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है। कि क्विक रेसिपी की यही खूबी है कि एक ही टाइम पे दो चीज़ें होनी है, और आधे टाइम में हमारा खाना इंशाल्लाह बन जाएगा। प्याज में हल्का सा कलर आ गया, अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और मिक्स करके बाकी मसाला जात इसमें डालते हैं। साथ साथ हमारे बाकी बैंगन भी फ्राई हो रहे हैं। बैंगन के बाद हमने आलूओं को भी फ्राई कर लिए और साथ उसी गेम में हमारा प्याज और टमाटर का मसाला तैयार हो गया। इसमें अब हम इन दो चीज़ों के अलावा बाकी सब कुछ डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तो मिक्स करते हैं और आलूओं को निकाल लेते हैं। ये बैंगन है, इसी में हम अपनी आलू भी निकाल देंगे। इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसमें ये सारा कुछ शामिल करके हल्की आग पे रख देंगे और साथ थोड़ी थोड़ी देर हिलाते रहेंगे। अब इसको हम दरमियानी आंच पे करके ढक्कन लगा के रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें। आलू और बैंगन हमारे गल चुके हैं, अभी हम इसमें हरा मसाला, गरम मसाला और सूखा धनिया डाल देते हैं और इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। स्टार्ट।
सालन हमारा तैयार हो चुका है, डिश आउट मैंने कर दिया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।